अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपको बर्गर बनाना सिखा रही हूँ। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आइए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो नोट डाउन कर लें। चीज़ स्लाइस 2 अदद, प्याज गोल गोल काट लें, बंद गोभी इसको बारीक काट लें, 2 अदद शामी कबाब, मायोनीज़, हरी चटनी, इसमें पुदीना, हरा धनिया, हरी मिर्चें और थोड़ी सी कुटी हुई सुर्ख मिर्च और नमक डालकर इसको ग्राइंड कर लें। टमाटो केचप या पिज़्ज़ा सॉस, टमाटर गोल कटे हुए और 2 अदद बंद, बंद को दरमियान से काट लें। पैन में तो हल्का सा ऑयल लगाकर बंद को इस पर सेक लें। सबसे पहले नीचे हरी चटनी लगाएं। अब इसके ऊपर प्याज के, अब इसके ऊपर बंद गोभी डालें, अब इसके ऊपर टमाटो केचप डालें, टमाटर के स्लाइस रखें, अब इसके ऊपर कबाब रखें, कबाब के ऊपर चीज़ स्लाइस रख दें, चीज़ के ऊपर तला हुआ अंडा रख दें, इसके दूसरे हिस्से पर मायोनीज लगाकर ऊपर रख दें। अब इसके ऊपर फिर से कबाब रखें, चीज़ स्लाइस रखें, फिर से अंडा ऊपर रख दें और सबसे आखिर में सलाद के पत्ते रख दें। अब इसके ऊपर फिर से बन रख दें। मज़ेदार बर्गर तैयार है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार सा और हेल्दी ड्रिंक बनाना सिखा रही हूँ। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। आइए अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए स्ट्रॉबेरीज, गाजर 2 अदद, 5-6 टुकड़े चुकंदर के, चीनी 1 टेबल स्पून, काला नमक 1/2 टीस्पून और पानी 1 गिलास। सर्व करने के लिए निकाल लें। बहुत ही मज़ेदार सा और हेल्दी ड्रिंक तैयार है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपको पिज़्ज़ा पराठा बनाना सिखा रही हूँ। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बने बेल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो आइए अब हम अपनी आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 1/2 किलो चिकन लेकर इसके छोटे छोटे पीसीस कर लें। इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करें, 2 टेबल स्पून ऑयल शामिल करें और चिकन टिक्का मसाला इसमें 2 टेबलस्पून डालकर इसको अच्छे से मिक्स करें। तमाम मसाले मिक्स करने के बाद इसको मैरिनेट होने के लिए 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। चिकन को मैरिनेट होने में टाइम लगेगा, इतनी देर में हम पराठे के लिए आटा गूंद लेते हैं। इसके लिए हम 2 प्याली आटा लेंगे, व्हीट फ्लोर यानी गंदम का आटा, 3 प्याली मैदा शामिल कर लें, 1 टीस्पून पिसी हुई चीनी, हसबे जायका नमक,
और 2 टेबलस्पून ऑयल शामिल कर दें। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब इसमें 1 कप दूध शामिल कर दें। दूध शामिल करके मिक्स करने के बाद हसबे ज़रूरत पानी के साथ इसको भूनते रहें। आटा गूंदकर आधे घंटे के लिए पड़ा रहने दें। मैरिनेट किए हुए चिकन को एक पैन में हल्की आंच पर पकने के लिए रख दें। साथ ही दूसरे चूल्हे पर कोयला दहकाने के लिए रख दें। चिकन पक चुका है, देखें इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब हम इसको कोयले का धुआं लगा लेंगे। दरमियान में रोटी का एक टुकड़ा रखें, इसके ऊपर कोयला रखें। इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालें और फौरन से इसको ढक दें। पिज़्ज़ा सॉस बनाने के लिए 1 कप टमाटो केचप लें एक पैन में। इसमें 1 चम्मच चिली सॉस डालें, 1 चम्मच सिरका और 1 चम्मच चिली सॉस शामिल कर दें, 1 चम्मच सोया सॉस शामिल कर दें। सॉस में डालने के लिए 1/2 टीस्पून ओरिगेनो लीव्स, 1 चुटकी काली मिर्च, 1 चुटकी सफ़ेद मिर्च, 1/2 टीस्पून सुर्ख मिर्च, थोड़ी सी हल्दी और हसबे ज़ायका नमक। सब चीज़ों को मिक्स करके 1 मिनट तक पकाएं और फिर उतार कर ठंडा होने के लिए रख लें। 5 मिनट तक धुआं देने के बाद इसको खोलें। अब पैन में थोड़ा सा ऑयल डालें। अब थोड़े से ग्रीन अनियन, बंद गोभी, शिमला मिर्च, स्वीट कॉर्न्स, गाजर कद्दूकस की हुई और ऑलिव्स, इनको हल्का सा नमक और सफ़ेद मिर्च डालकर फ्राई कर लें। इन सब्जियों को हल्का सा फ्राई करना है, बस इनका पानी खुश करना है। सब्जियां फ्राई हो चुकी हैं, अब ये चिकन भी हम इसमें शामिल कर देंगे। अब इनको उतार कर थोड़ा ठंडा कर लें। आटे को फ्रिज से निकाल कर इसके पेड़े कर लें। बेलने के बाद इसके ऊपर पिज्जा सॉस लगाएं।
अब दरमियान में ये जो हमने बना कर रखी हैं सब्जियाँ और चिकन, ये रख दें। अब इसके ऊपर चीज़ रख दें। इसको एक दो मिनट के लिए कवर करते हैं ताकि अंदर से चीज़ अच्छी तरह से पिघल जाए। मज़ेदार से पिज़्ज़ा पराठे तैयार हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई किचन। आज मैं आपको क्रिस्पी पोटैटो बाइट्स बनाना सिखा रही हूँ। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो नोट डाउन कर लें। दो दस प्याज बारीक काट लें, चार पांच हरी मिर्चें, गाजर, शिमला मिर्च और बंद गोभी, इन सब चीज़ों को बारीक काट लें। अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून, लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, ऑलिव्स 1 टेबल स्पून, स्वीट कॉर्न 1 टेबल स्पून, कुटी सूर्ख मिर्च 1 टेबल स्पून, पिसी सूर्ख मिर्च 1 टेबल स्पून, पिसा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून और पिसा हुआ गरम मसाला 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून अमचूर। पैन में थोड़ा सा आयल गरम करें, इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करें। अब इसके अंदर प्याज, हरी मिर्चें, गाजर, शिमला मिर्च और बंद गोभी डालकर इन सबको फ्राई कर लें। इसमें स्वीट कॉर्न और ऑलिव्स भी शामिल कर दें। अब ये जो हमने मसाले रखे थे वो सब इसमें मिक्स कर दें। अमचूर भी डाल दें। अब 1 चम्मच सोया सॉस और 1 चम्मच चिली सॉस शामिल कर दें। अब इसको ढककर 2 मिनट तक हल्की आंच पर पकने दें ताकि सारी सब्जियां अच्छी तरह से गल जाएं। सब्जियां अच्छी तरह से गल चुकी हैं, अब हम इनको एक बड़े बर्तन में निकाल लेंगे। इनको खुले बर्तन में डालकर थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख दें। 1 किलो आलू लेकर उनको उबाल कर अच्छी तरह से मैश कर लें और ये इसमें मिक्स कर दें। इसमें 1 प्याली ब्रेड क्रम्स डाल लें, 1 चम्मच चाट मसाला, 2 टेबलस्पून नींबू का रस। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मसाले को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको एक ट्रे में डालकर फैला लें। सारे मसाले को ट्रे में बिछाकर इस तरह से ऊपर से प्रेस कर दें। इसको 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें। फ्रीज़र में नहीं रखना है आपने, इसको फ्रिज में रखना है। बाउल में 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालें,
इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको हल कर लें। इस तरह से पतला अमीजा बना लें। तिन निकालने के बाद इसके पीस काट लें। अब इसको पहले मैदे में डिप करें, सॉरी ये जो हमने कॉर्नफ्लोर बोला था इसमें डिप करें, उसके बाद ब्रेड क्रम्स लगाएं और फ्राई कर लें। मज़ेदार क्रिस्पी पोटैटो बाइट्स तैयार हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपको पोटैटो पिनव्हील्स बनाना सिखा रही हूँ वेजिटेबल्स के साथ। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बने बेल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। एक पैन में थोड़ा सा ऑयल गरम करें, एक प्याली मटर इसमें फ्राई कर लें। जब मटर फ्राई हो जाएं तो इसमें बंद गोभी, शिमला मिर्च और हरी मिर्च कटी हुई शामिल कर दें। इनको भी हल्का सा फ्राई कर लें। अब इसमें हसबे जायका नमक शामिल कर दें, साथ ही थोड़ी सी पिसी हुई काली मिर्च, 1 टीस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून चिली सॉस। अब इसमें 1 पाव आलू उबालकर मैंने मैश कर लिए थे वो भी शामिल कर दें। सबसे आखिर में इसमें हरा धनिया शामिल कर दें बारीक कटा हुआ। सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख दें। पिनव्हील्स बनाने के लिए हमें जो आटा चाहिए वो मैं आपको अपनी पिछली रेसिपी में पिज़्ज़ा पराठे में सिखा चुकी हूँ। आप बिल्कुल उसी तरीके से आटा गूंथ लें। इस तरह से सारे पेड़े बना लें। अब इसकी रोटी बेल लें। बड़ी रोटी बेल लें। अब जो मसाला हमने बनाकर रखा था वो इसके अच्छी तरह से फैला देंगे। अब हम इसको रोल कर लेंगे। इसको आहिस्ता आहिस्ता से प्रेस करके फोल्ड करें ताकि मसाला अच्छी तरह से चिपक जाए। अब हम इसको तेज छुरी की मदद से काट लेंगे। इस तरह से इनको प्रेस कर लें। दो चम्मच मैदा लेकर उसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको हल कर लें। इस तरह से पतला रखना है आपने। एक पैन में ऑयल गरम करें। हम इनको मैदे का जो हमने ये घोला है इसमें मिक्स करके फ्राई कर लें। इनको हल्की आंच पर फ्राई कर लें। मज़ेदार और क्रिस्पी से पिनव्हील्स तैयार हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में अपने मुझे कमेंट्स देते रहें ताकि मुझे पता चले कि मेरी वीडियोस, मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लग रही हैं।
अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई किचन। आज मैं आपको रसमलाई बनाना सिखा रही हूँ। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आइए अब हम अपनी आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रसमलाई बनाने के लिए 1 किलो दूध लेकर उसे उबाल लें। जब दूध में उबाल आ जाए तो इसमें 1 चम्मच सिरका शामिल कर दें। सिरका डालने से दूध फटना शुरू हो जाएगा। देखें इस तरह से जब फुटियां बन जाएं तो चूल्हा बंद कर दें। अब एक बाउल में कपड़ा बिछाएं। अब 1/2 किलो दूध और लें। इसको एक पतीली में डालकर गर्म करें। इसमें 1 चुटकी इलायची पाउडर और 1 टेबल स्पून चीनी डालकर हल्की आंच पर पकने दें। एक पैन में 1 कप चीनी डालकर 2 कप पानी शामिल करें और शीरा बना लें। इसको अच्छी तरह से निचोड़ने के बाद एक बाउल में निकाल लें। बाउल में निकालने के बाद इसको भून लें। शीरा तैयार हो चुका है। शीरे को आपने ज़्यादा नहीं पकाना, बस 1-2 उबाल देने हैं। दूध को पकते हुए 1/2 घंटा हो चुका है। दूध को हमने इतना पकाना है कि 1/2 किलो दूध पक कर 1 पाव रह जाए। इस तरह से सारी रसमलाई बना लें। अब इसको शीरे में डालकर 5-7 मिनट के लिए हल्की आंच पर पकने दें। पककर बिल्कुल कम रह गया। अब चूल्हा बंद कर दें और इसको ठंडा होने के लिए रख दें। ये देखें ये फूलना शुरू हो गई हैं और पकते हुए तकरीबन 5-7 मिनट हो चुके हैं। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। दूध जो हमने बनाकर रखा था वो इसके ऊपर डाल दें। बादाम से गार्निश कर दें। मज़ेदार रसमलाई तैयार है। आप इसको ठंडा होने पर सर्व करें। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई किचन। आज मैं आपको शाही दाल बनाना सिखा रही हूँ। बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बने बेल के बटन को भी प्रेस कर दें। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। 1 पाव मूंग मसूर की दाल लेकर उसे 1/2 घंटे के लिए भिगो कर रख दें। इससे ये होगा कि दाल थोड़ी नरम हो जाएगी। अब 1 दरमियाने साइज़ की प्याज लेकर उसको ग्राइंड कर लें। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून, फ्रेश क्रीम 1/2 प्याली, हल्दी 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, सुर्ख मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून और नमक हसबे जायका, टमाटो पेस्ट 2 टेबल स्पून। दाल को एक पैन में डालें और इसमें तकरीबन 2 गिलास पानी शामिल कर दें और ये जो तमाम मसाले हमने लिए थे वो इसमें शामिल कर दें। सब चीज़ों को मिक्स करके इसको ढककर हल्की आंच पर 1/2 घंटा पकने दें। 1/2 घंटा पकने के बाद इसको खोलें। देखें दाल सारी अच्छी तरह से पक चुकी है। अगर दाल गली नहीं है, हल नहीं हुई है, तो आप इसको मज़ीद 5-7 मिनट भी पका सकते हैं। सबसे आखिर में इसमें क्रीम शामिल कर दें। क्रीम डालने के बाद चूल्हा बंद कर दें और इसके लिए भगार लगा लें। पैन में हसबे ज़रूरत ऑयल गर्म करें। इसमें थोड़ा सा ज़ीरा डालें। जब ज़ीरा हल्का सा फ्राई हो जाए तो इसको दाल पर भगार लगा दें। तैयार है। इसे आप सर्व करने के लिए निकालें और इसके ऊपर हरा धनिया और हरी मिर्चें से गार्निश कर लें। मज़ेदार शाही दाल तैयार है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, सबको बहुत पसंद आएगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।
अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपको ब्रेड पिज़्ज़ा सैंडविच बनाना सिखा रही हूँ। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बने बेल के बटन को भी प्रेस कर दें। आइए हम अब अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ब्रेड के स्लाइस पर बटर लगा लेंगे। पैन को गर्म करके हमने जिस साइड से बटर लगाया है वो रखकर इसको फ्राई कर लेंगे। इसको आपने ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस थोड़ा सा सेक लगाकर निकाल लें। अब हम इसके ऊपर मायोनीज लगाएंगे। अब इसके ऊपर प्याज रखें। अब खीरे के स्लाइस रखते हैं। इसके ऊपर टमाटर रख दें। अब हम इसके ऊपर चीज रखेंगे, ब्लैक ऑलिव डाल दें ऊपर। स्वीट कॉर्न, फिर से इसके ऊपर चीज स्लाइस रखते हैं। अब हम इसके ऊपर दूसरा स्लाइस रखने से पहले पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। पिज़्ज़ा सॉस बनाने का तरीका मैं आपको अपनी पिछली रेसिपी में सिखा चुकी हूँ। अब पैन में थोड़ा सा बटर लगाकर अब हम इसको ऊपर से कवर कर देंगे और 2 मिनट के लिए पकने देंगे। दोनों साइड से इस तरह पकाने के बाद गोल्डन ब्राउन करके उतार लें। इधर आप देख सकते हैं कितना चीज़ी सैंडविच है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपको बर्गर बनाना सिखा रही हूँ। आइए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट देते रहें। बर्गर बन को दरमियान से कट लगाकर तवे पर हल्का सा घी लगाकर इसको थोड़ा सा गर्म कर लें। अब हम बर्गर को अंदर से फिलिंग कर लेते हैं। सबसे पहले इसके ऊपर केचप लगाएं। अब इसके ऊपर चीज स्लाइस रखें। इसके बाद शामी कबाब रखें। शामी कबाब की रेसिपी मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में बनाना सिखा चुकी हूँ। अब इसके ऊपर बंद गोभी का सैलड डाल दें। इसमें मैंने मायोनीज और क्रीम और काली मिर्च शामिल कर ली थी। अब टमाटर की लेयर बिछा दें। इसके ऊपर सलाद के पत्ते रखें। दूसरे बंद पर हरी चटनी लगा लें। मज़ेदार सा बर्गर तैयार है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और इन्जॉय करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपको कराची की मशहूर चना चाट बनाना सिखा रही हूँ। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स देते रहें। आइए अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल गरम करें। जब ऑयल थोड़ा सा गरम हो जाए तो इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दें। इसके
अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके इसको हल्का सा भून लें। जब लहसुन हल्का सा फ्राई हो जाए तो इसमें इमली का पेस्ट शामिल कर दें। इमली को थोड़ी देर भिगोकर इसका पेस्ट बना लें, गुठलियाँ अलग कर लें। इसके लिए हमने जो मसाले लिए हैं, पिसी हुई सुर्ख मिर्च, साबुत धनिया तवे पर भूनकर उसको थोड़ा सा कूट लें, साबुत सफ़ेद ज़ीरा इसको भी तवे पर भूनकर बारीक पीस लें, थोड़ा सा चाट मसाला, कुटी हुई सुर्ख मिर्च, एक चुटकी हल्दी और एक छोटा चम्मच दही भल्लों का मसाला जो हम अपनी पिछली रेसिपी में आपको सिखा चुके हैं, ये सब मसाले इसमें शामिल कर दें। जब मसाला भून जाए और घी किनारे छोड़ने लगे तो इसमें चने शामिल कर दें। चनों को मैंने नमक डालकर उबाल लिया था। चने शामिल करने के बाद इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। चनों को मिक्स करने के बाद इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया, बारीक कटी हुई प्याज, हरी मिर्चें और बारीक कटे हुए टमाटर ये सब शामिल कर दें। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करें और चूल्हा बंद कर दें। अब हम इसको सर्व करने के लिए प्लेट में निकाल लेंगे। मज़ेदार चना चाट तैयार है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। हमारी आज की रेसिपी है चिकन मंचूरियन। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट देते रहें। आइए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आधा किलो बोनलेस चिकन ले लें, इसमें एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालें, एक अंडा फेंट कर डाल दें, एक चुटकी काली मिर्च और एक चुटकी सफेद मिर्च शामिल कर दें। अब इसमें 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर शामिल कर दें। और एक चम्मच मैदा शामिल कर दें। एक चम्मच चिली सॉस और एक चम्मच सोया सॉस डाल दें। एक चम्मच सिरका, एक चम्मच नमक भी शामिल कर दें या हस्बे जायका। अब इन सब चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करके आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। चिकन को मैरिनेट किए हुए आधा घंटा हो चुका है। अब हम एक कढ़ाई में ऑयल गरम करके चिकन को फ्राई कर लेंगे। सारे चिकन को फ्राई कर लें। अब एक पैन में थोड़ा सा ऑयल गरम करें, इसमें एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करें। इसको हल्का सा फ्राई कर लें। 3-4 शिमला मिर्च और 2-3 प्याज को मैंने मोटा मोटा काट लिया था,
लहसुन फ्राई करने के बाद अब हम इसमें शामिल कर देंगे ये शिमला मिर्च और प्याज शामिल करने के बाद साथ ही हम इसमें 2 टेबलस्पून सोया सॉस और 2 टेबलस्पून चिली सॉस और 2 टेबलस्पून सिरका शामिल कर देंगे। दो मिनट फ्राई करने के बाद इसमें 1 टेबलस्पून चीनी 2 चिकन क्यूब्स 1 चुटकी सफ़ेद पिसी हुई मिर्च 1 चुटकी काली मिर्च और 1/2 टीस्पून सुर्ख मिर्च शामिल कर दें। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ ग्रीन ऑनियन शामिल कर देंगे और 1 प्याली केचप शामिल कर देंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसमें 2 कप पानी शामिल कर देंगे। पानी शामिल करने के बाद इसको उबाल आने तक पकाएं। कॉर्नफ्लोर पानी में घोल लें। उबाल आने के बाद कॉर्नफ्लोर इसमें शामिल कर दें और मुसलसल चम्मच हिलाएं ताकि इसमें लम्स ना पड़े। अब आप इसमें हसबे जायका नमक शामिल कर दें। अब इसमें फ्राई किया हुआ चिकन शामिल कर दें। इसको मिक्स करने के बाद चूल्हा बंद कर दें। चिकन मंचूरियन तैयार है। चिकन मंचूरियन तैयार है। अब इसके ऊपर तेल छिड़क दें। इसको उबले हुए चावलों के साथ सर्व करें। मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। हमारी आज की रेसिपी है शामी कबाब। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बने बेल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस अब आप तक पहुंचती रहें। तो आइए अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। शामी कबाब बनाने के लिए मैंने 1/2 किलो चिकन का कीमा लिया है, चने की दाल 1 पाव, साबुत गर्म मसाला, साबुत ज़ीरा, लहसुन 5-6 जवे, नमक हसबे जायका और कुटी हुई सुर्ख मिर्च। सबसे पहले पतीली में कीमा डाल लें। चने की दाल को मैंने 1/2 घंटे के लिए भिगोकर रख लिया था, वो भी इसमें शामिल कर लें। अब ये जो मसाले मैंने आपको बताए थे वो सब इसमें शामिल कर दें। अब इसमें 2 गिलास पानी शामिल कर दें। अब इसको ढककर 1/2 घंटे के लिए हल्की आंच पर पकने दें। पकाने के बाद चूल्हा बंद कर दें। देखें इसका पानी खुश्क हो चुका है, दाल और कीमा गल चुके हैं। अब हम इसको पीस लेंगे। आप चाहें तो इसे सिल पर पीस लें वरना चॉपर में भी पीस सकते हैं। मसाला पीसने के बाद इसमें 2 अदद बारीक कटी हुई प्याज शामिल कर दें, बारीक कटा हुआ पुदीना और हरा धनिया और बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। अब इन सब चीज़ों को मिक्स कर लें। अब हम इनके शामी कबाब बना लेंगे। एक पैन में थोड़ा ऑयल गरम करें। एक अंडे को फेंट लें और कबाब को अंडे में डिप करके फ्राई कर लें।
हम चूल्हा बंद कर देंगे और इन्हें सर्व करने के लिए निकाल देंगे। बहुत ही मज़ेदार और स्पाइसी से शामी कबाब तैयार हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। घर में बैठे आप बिल्कुल बोर ना हो, अच्छी अच्छी रेसिपीज़ ट्राई करें ताकि आपका टाइम अच्छा गुजरे और खाने को भी आप अच्छी और हेल्दी चीज़ें खाएँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपको ब्रेड से पिज़्ज़ा बनाना सिखा रही हूँ। इसके लिए आप एक पैन में ब्रश से थोड़ा थोड़ा मक्खन लगा लें। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बने बेल के बटन को भी प्रेस कर दें। आइए हम अब स्टार्ट करते हैं। ब्रेड के पीसीस काट कर उसे पैन की तह में बिछा लें। पैन के साइज़ के हिसाब से काट लें। इस तरह से पैन की तह में ब्रेड के स्लाइसेस अच्छी तरह से बिछा लें। अब पैन को चूल्हे पर रख दें। दो अंडे लेकर उनको अच्छी तरह से फेंट लें। हल्की आंच पर इसको रख दें और ब्रश से मेल्ट किया हुआ मक्खन लगा लें। अंडे इसके ऊपर फैला दें। अब इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगा दें हल्का हल्का। अब इसके ऊपर चीज़ छिड़क दें। अब हम इसके ऊपर वेजिटेबल्स डाल देंगे, शिमला मिर्च, प्याज, स्वीट कॉर्न्स, ब्लैक ऑलिव्स। अब थोड़े से ओरिगैनो लीव्स छिड़क दें। थोड़ा स्पाइसी बनाने के लिए रेड चिली फ्लेक्स भी डाल दें। थोड़ी सी काली मिर्च भी छिड़क दें। अंडे में मैंने नमक मिला लिया था एक चुटकी, हसबे जायका आप अंडे में नमक मिलाकर फिर डालिएगा। अब इसको ढककर हल्की आंच पर 2 मिनट के लिए पकाएं। दो 3 मिनट रखने के बाद इसको खोलें और सर्व करने के लिए निकाल लें। टेस्टी एंड स्पाइसी ब्रेड पिज़्ज़ा इज़ रेडी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स देते रहें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपको चॉकलेट मिनी केक बनाना सिखा रही हूँ। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बने बेल के बटन को प्रेस कर दें। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। मैंने 1 कप मैदा लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून चोको पाउडर, 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर, पिसी हुई चीनी 1/2 कप, बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1 चुटकी, बेकिंग सोडा 1 चुटकी। इन सब चीज़ों को मिक्स कर लें। अब एक बाउल में हम लेंगे 1 कप दूध, 2 टेबलस्पून ऑयल, 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस। अब ये पाउडर इसमें डालकर हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 1 टीस्पून विनेगर भी शामिल कर लें। इसको अच्छे से मिक्स करके 10 मिनट के लिए पड़ा रहने दें। अब एक पतीली की तह में नमक बिछाकर इसको तेज़ आंच पर गरम कर लें। जब नमक गरम हो जाए तो इसके अंदर एक प्लेट रख दें। अब इस मिक्सचर को कप में डाल लें। अब इसके ऊपर चोको चिप डाल दें। अब ये कप इसके अंदर रख दें। अब इसको ढककर हल्की आंच पर 20 मिनट के लिए पकने दें। अब हम इसमें टूथपिक डालकर देखेंगे
अगर ये ड्राई वापस आती है तो केक पक चुका है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट देते रहें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपको कैरेमल पुडिंग बनाना सिखा रही हूँ। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बने बेल के बटन को भी प्रेस कर दें। सबसे पहले एक पैन में एक कप चीनी डालें, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करें, अबाउट 2 टेबल स्पून। इसको मीडियम फ्लेम पर पकाएं। इसको आपने तब तक पकाना है जब तक इसका कलर ब्राउन ना हो जाए। देखिए इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है। इसको कैरामल बनने में तकरीबन आधा घंटा लगेगा। हो चुका है, अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। अब एक पैन में 1/2 लीटर दूध लें और उसको अच्छी तरह से उबाल लें। एक बाउल में 2 बड़े चम्मच कस्टर्ड पाउडर के लें। इसको ठंडे दूध में हल कर लें। उबलते हुए दूध में 2 टेबलस्पून चीनी डालें। ये जो कस्टर्ड पाउडर हमने हल किया था वो इसमें शामिल करके मुसलसल चम्मच हिलाएं। गाढ़ा होने तक पकाएं। चूल्हा बंद कर दें और इसे ठंडा होने दें। जब कस्टर्ड ठंडा हो जाए तो अब इसको सेट होने के लिए 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। एक घंटा फ्रिज में रखने के बाद हम इसको सर्व करने के लिए प्लेट में निकाल लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। हमारी आज की रेसिपी है रेशमी बिरयानी। आज मैं अपनी दोस्त के घर आई थी, उसकी बेटियों ने मुझसे फरमाइश की थी कि आंटी हमें रेशमी बिरयानी बनाना सिखाएं, तो उनकी फरमाइश पर आज मैं ये बिरयानी बना रही हूँ। आइए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने सबसे पहले लिया है 1/2 किलो चिकन। उसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून कचरी पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 चम्मच सिरका और 1 कप दही शामिल करके इन सब चीज़ों को मिक्स करके हम मैरिनेट करने के लिए 1/2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। अब एक कढ़ाई में ऑयल गरम करें और इसमें 1 पाव प्याज बारीक कटे हुए डालकर ब्राउन कर लें। जब प्याज लाइट ब्राउन होने लगें तो इसमें 1/2 किलो आलू लेकर उनके मोटे मोटे टुकड़े काट कर इनको भी हल्का सा फ्राई कर लें। Thank you.
इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें तकरीबन 2 टेबलस्पून। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 पाव टमाटर, 1 चिकन जो हमने मैरिनेट करके रखा था अब इसमें शामिल कर देंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे गरम मसाला पाउडर 2 टेबलस्पून, धनिया पाउडर 2 टेबलस्पून, सुर्ख मिर्च पाउडर 2 टेबलस्पून, तेजपात भी शामिल कर दें इसमें, थोड़ा सा बिरयानी मसाला भी शामिल कर दें। गोश्त को अच्छी तरह से भूनने के बाद चूल्हा बंद कर दें और इसको एक साइड पर रख दें। अब एक खुले मुंह के बर्तन में 2 टेबलस्पून ऑयल गरम करें, सबसे नीचे पुदीना छिड़कें, चावलों में साबुत गरम मसाला डालकर मैंने इनको बॉईल कर लिया था। अपनी पिछली रेसिपीज में मैं चावल उबालने का तरीका आपको सिखा चुकी हूँ। हल्का सा दूध का छींटा दें, सबसे पहले चावलों की लेयर डालें, इसके ऊपर टमाटर रखें गोल कटे हुए, आधा किलो आलू लेकर उनके बड़े बड़े टुकड़े काटकर मैंने बॉईल कर लिए थे वो भी इसके ऊपर रख दें। अब हम इसके ऊपर ये मसाले की लेयर लगाएंगे। फिर से चावलों की तह लगाने के बाद इसके ऊपर हरा धनिया छिड़कें, टमाटर रखें, हरी मिर्चें भी डाल दें 3-4, सबसे आखिर में इस पर थोड़े से बादाम भी डाल दें। थोड़े से दूध में जर्दा रंग हल करके वो इसके ऊपर डाल दें। ढक्कन को कपड़े से कवर करके बिल्कुल हल्की आंच पर 10 मिनट के लिए दम दे दें। 10 मिनट तक दम देने के बाद सर्व करने के लिए प्लेट में निकाल लें। मज़ेदार सी रेशमी बिरयानी तैयार है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। हमारी आज की रेसिपी है शामी कबाब। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बने बेल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस अब आप तक पहुंचती रहें। तो आइए अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। शामी कबाब बनाने के लिए मैंने 1/2 किलो चिकन का कीमा लिया है, चने की दाल 1 पाव, साबुत गर्म मसाला, साबुत ज़ीरा, लहसुन 5-6 जवे, नमक हसबे ज़ायका और कुटी हुई सुर्ख मिर्च। सबसे पहले पतीली में कीमा डाल लें। चने की दाल को मैंने 1/2 घंटे के लिए भिगो कर रख लिया था, वो भी इसमें शामिल कर लें। अब ये जो मसाले मैंने आपको बताए थे वो सब इसमें शामिल कर दें।
अब इसमें दो गिलास पानी शामिल कर दें। अब इसको ढककर आधे घंटे के लिए हल्की आंच पर पकने दें। पकाने के बाद चूल्हा बंद कर दें। देखें इसका पानी खुश्क हो चुका है, दाल और कीमा गल चुके हैं। अब हम इसको पीस लेंगे। आप चाहें तो इसे सिल पर पीस लें, वरना चॉपर में भी पीस सकते हैं। मसाला पीसने के बाद इसमें दो अदद बारीक कटी हुई प्याज शामिल कर दें, बारीक कटा हुआ पुदीना और हरा धनिया, और बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। अब इन सब चीज़ों को मिक्स कर लें। अब हम इनके शामी कबाब बना लेंगे। एक पैन में थोड़ा ऑयल गरम करें, एक अंडे को फेंट लें और कबाब को अंडे में डिप करके फ्राई कर लें। तैयार है। हम चूल्हा बंद कर देंगे और इन्हें सर्व करने के लिए निकाल देंगे। बहुत ही मज़ेदार और स्पाइसी से शामी कबाब तैयार हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। घर में बैठे आप बिल्कुल बोर ना हो, अच्छी अच्छी रेसिपीज़ ट्राई करें ताकि आपका टाइम अच्छा गुजरे और खाने को भी आप अच्छी और हेल्दी चीज़ें खाएँ।